दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जुलाई 2021 में होने वाली 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2021 की इन 6 बड़ी भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 1,50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे जुलाई 2021 में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं जुलाई 2021 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। यहाँ दोस्तों जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में कांस्टेबल की बड़ी भर्ती की अपडेट है। 51,000 खाली पद है, सैलरी 5200 से 20,200 है, ग्रेड पे 2000 है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 22 मेल के लिए, 18 से 25 फीमेल के लिए है। फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और फिजिकल के आधार पे। बात अगर इसमें फिजिकल की जाए तो जनरल OBC SC मेल के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर है और यहाँ पर फीमेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। रेस यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, जबकि फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन जल्दी स्टार्ट होंगे, आप इसकी ऑफिशियल न्यूज यहाँ से चेक कर सकते हो। 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर सेकंड नंबर जॉब की जाए तो वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग SSC के अंतर्गत कांस्टेबल GD की यहाँ पर बम्पर भर्ती की अपडेट है। 60,000 के लगभग वैकेंसीज है, 21,700 से 69,100 सैलरी है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। SST फीमेल EX सर्विसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर SBI बैंक चालान से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। फिजिकल की बात की जाए तो हाइट यहाँ पर मेल जनरल OBC SC के लिए 170 सेंटीमीटर है, मेल ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल जनरल OBC SC के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल ST के लिए 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर मेल जनरल OBC SC के लिए 81 से 85 है और मेल के लिए यहाँ पर जो ST है 76 से 81 सेंटीमीटर है। रेस की बात कीजिए तो मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, जबकि फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। इंग्लिश या हिंदी के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और यहाँ पर 90 मिनट का इसके लिए टाइम है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। SSC.NIC.in पोर्टल से आप जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में, भारतीय तटरक्षक में नाविक GD DB और यांत्रिक की पोस्ट है। टोटल 350 वैकेंसीज है। नाविक GD के 260 है, नाविक DB के लिए 50 है, यांत्रिक के लिए 40 पद है। बात अगर इसमें सैलरी की जाए तो 21,700 और 29,200 है। यहाँ पर बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं 12वीं पास प्लस डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्न ऑफ बिटवीन 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 और 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2004 के बीच में है। फीस URE EWS OBC के लिए 250, SC ST के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आप शुल्क जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल फिटनेस के आधार पे। हाइट 157 सेंटीमीटर है, रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 20 उठक बैठक, 10 पुशअप लगाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। joinindiancoastguard.gov.in या फिर joinindiancoastguard.cdac.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 जुलाई 2021 है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम की डेट मीडिया एंड सितंबर 2021 में है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में लेखपाल की पोस्ट है। 10,000 वैकेंसीज है, 21,700 से 69,400 सैलरी है, ग्रेड पे 2000 है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 185, ST ST के लिए यहाँ पर 95, PH के लिए 25 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम से।
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, UP-SSC.gov.in पोर्टल से आप जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी आप यहाँ से ऑफिशियल न्यूज ये चेक कर सकते हो। लेखपाल के 10,000 पद खाली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र जुलाई 2021 में मंगाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, DFCCIL, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आउट है। जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। 1074 वैकेंसीज है, जूनियर मैनेजर के 111, एग्जीक्यूटिव के लिए 442 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 521 खाली पद है। सैलरी 50,000 से 1,60,000, 30,000 से 1,20,000, 25,000 से 68,000 है। 10वीं ITI डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 और 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जूनियर मैनेजर के लिए ₹1,000, जो UR OBC NCLEWS है। एग्जीक्यूटिव के लिए जो UR OBC NCLEWS है ₹900 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए UR OBC NCLEWS के लिए ₹700 है। ST PWD एक सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, ऑनलाइन आप शुल्क जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। DFCCIL.com पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जुलाई 2021 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हेल्ड होगा सेप्टेम्बर या अक्टूबर 2021 में। उसके बाद दोस्तों जो 600 लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में, असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक की बम्पर भर्ती है। 50,000 वैकेंसीज है, 9,300 से 34,800 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री BEd DLEd BTC से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, UPBasic.edu.in पोर्टल से आप जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जुलाई 2021 में होने वाली टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जब से आवेदन स्टार्ट होंगे, और नोटिफिकेशन भी आप तभी से यहीं से डाउनलोड कर सकते हो जब से रिलीज होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।